हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गए होगा ना आज का टॉपिक क्या है। यस, तो आज का टॉपिक है किचन वोकैबुलरी, यानी कि इंग्लिश किचन वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तभी आपको किचन वोकैबुलरी इन इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले कई बार ऐसा होता है कि जब आप किचन में खाना बना रहे होते हो और हाँ, बाहर से ऐसी आवाज आती है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट? आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? अच्छा, तो आप यही जवाब दोगे ना, हम खाना बना रहे हैं। तो ऐसे हम बोलेंगे, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम दाल फ्राई कर रहे हैं, ऐसे ही हम बोलते हैं। पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट सेंटेंस ये है कि द चपाती इज बर्न्ट, राइट? आपने सुना ना, द चपाती इज बर्न्ट, रोटी जल गई है। ओके, रोटी जल गई है, रोटी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चपाती ही ना। ओके, और जल गए उसे क्या बोलेंगे, बर्न्ट, burnt, बर्न्ट, चपाती इज बर्न्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तीखी, तीखी यानी स्पाइसी, यू नो ऑल, दाल तीखी है। ओके, अगर आप इसे बोलेंगे किसी को, दाल बहुत तीखी है, तो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? यह राइट, दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्स, पल्स। ओके, PULSE, पल्स, पल्स इज, यस, पल्स इज वेरी स्पाइसी। ओके, यस, नेक्स्ट सेंटेंस है, उबल आने तक इसे पकाइए। ओके, इसे उबल आने तक पकाइए, आप इसे बोलते हैं ना किसी को, इसे उबल आने तक पकाए, है ना? यस, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे, कुक इट टिल बॉइलिंग। ओके, क्या बोलेंगे आप, कुक इट टिल बॉइलिंग, उबल यानी कि बॉइलिंग करना, कुक करना। तो हो गया ना हमारा सेंटेंस, कुक इट टिल बॉइलिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आटा गूंद रही हूँ। कोई आपको ऐसे बोलेगा क्या कर रही हो, तो आप जवाब क्या दोगे, यस, मैं आटा गूंद रही हूँ, है ना? आप सभी करते हैं ना, जो गर्ल्स हैं वो सभी ये काम तो करती है ना, राइट? मोस्ट ऑफ गर्ल्स को ही ये काम करना पड़ता है ना। ओके, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे कि आप इसे बोल सकते हो, आई एम नीडिंग अ डो, आई एम नीडिंग अ डो, जो आप ऐसा करके मसल कर बनाते हो उसे बोलते हैं डो। ओके, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सब्जी बना रही हूँ। आप सभी बोलते हैं ना, मैं सब्जी बना रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस, आई एम मेकिंग अ वेजिटेबल। आप सभी जानते हैं आई थिंक ये वर्ड्स, तो वेजिटेबल यानी सब्जी, तो सब्जी यानी कि वो वाली सब्जी नहीं जो आप बना रहे होते हो, फ्राई करके आप बना रहे होते हो, इसकी बात यहाँ मैंने की है। ओके, तो यहाँ आप इसे बोल सकते हैं, आई एम मेकिंग अ, यस, आई एम मेकिंग अ वेजिटेबल। नेक्स्ट वन है जो बहुत ही काम का है, ये बहुत ही यूज होगा जब आप किचन में काम कर रहे होते हो, जैसे कि आप बोलते हो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। ओके, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप सभी को पता है इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ का मीनिंग क्या होता है, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, जैसे कि आप इसे बोल सकते हैं, आई एम क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ही काम का है, आप किसी को भी बोलते हो ना, तो आप इसे बोलते हो ना, लहसुन भून लो, यानी कि जैसे कि आप फ्राई कर रहे होते हो और लहसुन को आप अच्छे से ऑयल में भूनना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आपको पता है? ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो आप इसे बोल सकते हैं, जैसे कि सोते द गार्लिक, यहाँ भूनना यानी कि सोते करना। ओके, तो मोस्ट ऑफ गर्ल्स को तो पता ही होगा, बॉयज को पता नहीं हो, तो आप याद रख लीजिए ताकि आपको ये भूलने में हेल्पफुल बने। ओके, यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है, टमाटर काट दो, है ना? आप सभी जानते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टमाटर, आप सभी को पता होगा टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस, टमेटो। ओके, टमाटर नहीं, टमेटो। ओके, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, टमाटर काट दो यानी कि चॉप द टमेटो, चॉप द टमेटो। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। और ऐसे ही जैसे कि आप इसे बोलेंगे कि प्याज काट दो, क्या बोलेंगे, कि प्याज काट दो, तो आप कैसे बोलेंगे,
तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना, चॉप द ऑनियन, और ऐसे ही आप ऑनियन को गोल गोल काटने के लिए कहोगे किसी को, तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में? प्याज को गोल गोल काट दो, है ना? यस, तो आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे कि स्लाइस द ऑनियन इन द सर्कल सेव, राइट? तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सब्जी अभी पक्की नहीं है। क्या बोलते हो आप? सब्जी अभी पक्की नहीं है, right? तो इंग्लिश में हम ये बोलेंगे, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट। और हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, चावल अभी पके नहीं है, राइट? चावल अभी पके नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि यस द राइस इज नॉट कुक्ड येट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि डिश बना दो, खाना परोस दो, राइट? ये दो एक ही सेंटेंस है, बट अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग, तो ऐसे आप बोल सकते हैं ना, हिंदी में आप ऐसे बोलते हो ना, आई सर्व अ फूड, ओके, या तो आई सर्व अ डिश, ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कचरा कचरा पेटी में फेंक दो, राइट? आप सभी ये वर्ड तो यूज करते हैं ना, कचरा कचरा पेटी में फेंक दो, तो सभी बोलते होंगे यस, तो आप ऐसे बोल सकते हो, थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे कई वर्ड्स आपने जान लेना है मेरे इस वीडियो से, जो वर्ड्स आप नहीं जानते थे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल बना है, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। और इफ यू वॉन्ट टू लर्न विथ मी, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्पोकन इंग्लिश, प्लीज वॉच माई वीडियोज एंड लाइक शेयर ईच एंड एवरी वीडियोज, थैंक यू।